Hey, what's up guys, KBTech back with another video. तो दोस्तों आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से कलर ओ एस 6 जो है MIUI 10 से बेटर है। एज मेरे पास दोनों फोन हैं, यहाँ पे कलर ओ एस 6 वाला फ़ोन भी मेरे पास है और यहाँ पे MIUI वाला फ़ोन भी है, और इन दोनों में से मतलब कौन सा जो फ़ोन बेटर है और यहाँ पे कौन सा UI बेटर है, ये मैं पहले ही कंपैरिजन कर चुका हूँ दोनों में से कौन सा बेस्ट है, आप जाके चेकआउट कर लीजिए, लिंक से डिस्क्रिप्शन में मिलो। पर आज मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि कलर ओ एस 6 किन वेज में MIUI से बेटर है, और इसके बाद एक वीडियो आएगी कि MIUI किस वेज में कलर ओ एस से बेटर है, तो आज स्टे ट्यून करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें कि किन वेज में जो है वो कलर ओ एस 6 मच बेटर है फ्रॉम Xiaomi's ओन MIUI विच इज द कस्टम UI ऑफ द Xiaomi डिवाइसेस विच इज कॉल्ड MIUI 10, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव कलर ओ एस 6। तो दोस्तों दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस कंपैरिजन कर लें तो यहाँ पे जो सबसे पहले ही जो चीज़ निकल के आती है वो आ जाती है ऐप ड्रॉअर की। और आप सोच रहे हैं कि भाई इसमें ऐप ड्रॉअर है, तो भाई ऐप ड्रॉअर जो है ये लॉन्चर है, ये पोको फोन का ऐप ड्रॉअर है, ये ओनली फॉर पोको फोन दिया है Xiaomi ने, ये ऐप ड्रॉअर जो लॉन्चर है ये पोको फोन का है, तो यहाँ पे इसलिए आपको लग रहा होगा भाई इसमें ऐप ड्रॉअर है, तो ऐप ड्रॉअर की क्या बात हो जाती है। ऑन द अदर हैंड कलर वेस्ट ने हमें यहाँ पे ऐप ड्रॉअर प्रोवाइड करा दिया, चाहे जैसा मर्जी हो टट्टी जैसा हो तब भी ऐप ड्रॉअर तो है ना भाई, Xiaomi तो भाई ऐप ड्रॉअर भूल गया, और भाई कलर वेस्ट 6 ने हमें यहाँ पे ऐप ड्रॉअर जो है प्रोवाइड करा दिया है। तो इस पहला वे तो यही निकल के आ जाता है कि भाई कलर वेस्ट 6 जो है मच बेटर है MIUI के से। बट एक न्यूज़ आपको मैं बता दूँ साथ ही साथ, जो कह रहे थे भाई कलर वे 6 मच मोर ऑप्टिमाइज्ड है, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कहाँ से आए हो आप लोग। तो यार बात कर लें इसके बारे में, तो इस वे में ऐप ड्रॉअर के वे में आपको कलर वे 6 जो है मच बेटर देखने को मिल जाता है। ये हमारी पहली चीज़ थी। अगर हम बात कर लें सेकंड चीज़ के बारे में, सेकेंड चीज़ निकल के आ जाती है मटेरियल डिज़ाइन। तो अगर आपको बताओ एप्पल कंपनी जो है वो मटेरियल डिज़ाइन प्रोवाइड कराती है, गूगल भी आजकल ये काम कर रहा है अपने स्टॉक एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर। ऑन अदर हैंड MIUI में आपको कोई भी मटेरियल डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता, अगर हम सेटिंग्स में चले जाएं रेफी फोकस, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको कोई भी मटेरियल डिज़ाइन टाइप का देखने को नहीं मिलता, वही टिपिकल Xiaomi का पुराने वाला सिस्टम है, जैसे पुरानी सी सेटिंग वैसे ही है। डायलर वाले में भी भाई वही सेम सिस्टम है जैसे पुराना था, बस एक स्टेटस बार इन्होंने मटेरियल डिज़ाइन वाला दे दिया और कुछ नहीं दिया इन्होंने मटेरियल डिज़ाइन वाला Xiaomi के MIUI के अंदर। ऑन द अदर हैंड कलर वे 6 मटेरियल डिज़ाइन पर बेस्ड है, आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको दिखा दूँ, लेट मी इंक्रीज द ब्राइटनेस फर्स्ट। तो यहाँ पे जो कलर वैसे मटेरियल डिज़ाइन पे बेस्ड है, अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये थोड़ा मटेरियल डिज़ाइन सा लगता है बिल्कुल, मतलब ऐसे मिनिमलिस्टिक सा लगता है और सिंपल सा लुक आपको प्रोवाइड कराता है जो आजकल हर फोन दे रहा है। जैसे सेटिंग आप ऊपर करते ऊपर चला जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये मटेरियल डिज़ाइन कहते हैं भाई इसको, जिसमें आपको व्हाइट कलर की चीज़ देखने मिलती है, ये जो है ये मटेरियल डिज़ाइन का पार्ट है। उसके अलावा क्लॉक हो गई, ये सब आपका मटेरियल डिज़ाइन का पार्ट देखने को मिलता है, बट Xiaomi जो है मटेरियल डिज़ाइन भूल गया, मुझे नहीं पता, हाँ बस इसका स्टेटस बार मटेरियल डिज़ाइन नहीं है, इसका स्टेटस बार कार्टून डिज़ाइन है। तो यहाँ पे ही मटेरियल डिज़ाइन होता है दोस्तों, और अगर आपको कन्फर्म करना है मटेरियल डिज़ाइन तो आप जीमेल में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जीमेल जो है मटेरियल डिज़ाइन हो गया है, पर इसमें जीमेल है या नहीं मुझे वो भी नहीं पता, होना तो चाहिए था यार, सर्च कर लेते हैं यार। तो यहाँ पे मटेरियल डिज़ाइन जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है जो गूगल हमें प्रोवाइड करा रहा है, जो सेम आपको इस ओप्पो के फ़ोन में देखने को मिल जाता है जिसमें रन कर रहा है कलर वे 6। तो मटेरियल डिज़ाइन के वे में और ऐप ड्रॉअर के वे में जो है कलर वे 6 को बेटर है एज़ कम्पेयर टू Xiaomi MIUI 10। बट सुनने में आ रहा है कि MIUI 10 को ऐप ड्रॉअर मिलने वाला है और इससे वो 100 गुना अच्छा होगा, तो देखते हैं यार Xiaomi आगे क्या करता है। नेक्स्ट चीज़ निकल के आता है ये स्मार्ट असिस्टेंट। तो अगर आपको पता हो स्मार्ट असिस्टेंट Xiaomi वाला जो है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, जो बिल्कुल बेकार सा लगता है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया Xiaomi का जो स्मार्ट असिस्टेंट है। बट कलर वेस 5 में कुछ इसी टाइप का जो था वो स्मार्ट असिस्टेंट था, और अब जो है यहाँ से इससे मतलब मच बेटर बना दिया गया हट। तो यहाँ पे आपको अगर चेकआउट करें यहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियल डिज़ाइन देता है, इसमें मैंने बोला था मटेरियल डिज़ाइन है इसमें। सबसे बड़ी बात इसमें आपको स्ट्रैप ट्रैकर भी देखने को मिल जाता है, साथ साथ इसमें आप प्लस करके और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी की। और यहाँ पे ये जो है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है आपके मटेरियल डिज़ाइन जैसा लुक यहाँ पे मिलता है आपको, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है मेरे को यहाँ पे लगता है इसका स्मार्ट असिस्टेंट। ये एक वे और है कि भाई MIUI से ये जो है कलर वे 6 वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू स्मार्ट असिस्टेंट, और एक ये चीज़ भी है जो काफ़ी मेरे को अच्छी लगती है, स्मार्ट असिस्टेंट बेटर है अगर आप MIUI से कंपेयर करेंगे, ऑन हैंड अगर साथ साथ कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि Xiaomi का MIUI से वो बेटर है हमारा इसका असिस्टेंट। पर वही बात आती है ना, कॉपी तो उन्होंने MIUI वालों से किया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है गेम स्पेस, तो यहाँ पे गेम स्पेस भी MIUI से बेटर है। यस दोस्तों अगर हम बात करें लेटेस्ट बीटा रॉम की तो उसमें गेम स्पेस को थोड़ा बहुत सुधारा गया है, बट ऑन स्टेबल इतना सुधारा नहीं गया है, और यहाँ पे गेम स्पेस में भी ज़्यादा जो है वो बेटर है कलर वेस। आपको दिखा देता हूँ इसका गेम स्पेस, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप को देखने को मिल जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें आप हाई परफॉर्मेंस पे जा सकते हैं, लो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, हाई लो सब आप कर सकते हैं, यहाँ से आप इस फोन को अपने सिग्नल्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो गेम स्पेस के वे में भी जो यहाँ पे
कलर OS 6 है वो मच बेटर है MIUI से। उसके बाद हम बात करें लास्ट एंड फाइनल चीज़ की, जो है कस्टमाइजेशन। तो आप सोच रहे हो कि कस्टमाइजेशन तो Xiaomi में बेटर है, उसका तो थीम स्टोर हर चीज़ को कस्टमाइज करके रख देता है। बट दोस्तों ठीक है, मैं मानता हूँ Xiaomi का थीम स्टोर बहुत अच्छा है और Oppo का जो थीम स्टोर है दुनिया का सबसे घटिया थीम स्टोर है, मैं ये मानता हूँ। बट अगर आप, मैं आपको बताऊँ कि इसमें आप जाके आप ग्रिड साइज को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो वो कैसा रहेगा दोस्तों? वो Xiaomi ने फीचर अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं करा है, मुझे नहीं पता कब करेगा। ये कर दे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ये फीचर बहुत ही काम का है। इसके अलावा आप यहाँ पे प्रेडिक्शन ऐप्स को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जो आपके Xiaomi के फोन में आपको देखने को नहीं मिलता है इन द ऐप। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत कमाल के, मतलब ये ऐड ऐप टू होम स्क्रीन वाला तो फीचर है शायद उसमें। बस दोस्तों यही थी चीज़ें, मतलब यही बताना चाहता हूँ भाई, करो इन वेज में जो है MIUI से बेटर निकल के आ जाता है। इसके अलावा तो भाई कुछ भी नहीं। और यहाँ एक और बात बता दूँ कि जो कलर OS है वो वॉलपेपर्स में कंजूसी नहीं करता, लाइव वॉलपेपर भी देता है, नॉर्मल वॉलपेपर देता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे को पर्सनली ये वाला बहुत पसंद आया। तो बाकी तो भाई Xiaomi तो कंजूसी करता है वॉलपेपर देने में, तो इसलिए मैं बता रहा था भाई। सही में Xiaomi कंजूसी मत क्या कर। तो यार बस यही था आज की इस वीडियो में, आपको बताना चाहता था कि भाई कलर OS जो है वो किस वेज में बेटर है Xiaomi के MIUI 10 से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप कलर OS से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और यहाँ पे मैं आपके लिए अलग अलग प्रकार की वीडियो लेके आने वाला हूँ, गेमिंग से रिलेटेड भी आपके लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है और टेक से रिलेटेड भी सुपर सुपर कंटेंट आने वाला है। तो स्टे ट्यून करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं फॉर मोर इन टेक इन्फो। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं टेक्नोलॉजी में और मेरे से टेक अपडेट्स लेने में। और आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फॉर मेनी मोर टेक अपडेट्स। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ से ब्रांड न्यू वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट टाइम। पीस आउट।